तो गाइज़, अगर आप सभी लोगों को अपने फ़ोन में MI स्क्रीन रिकॉर्डर के एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपके फ़ोन में जो वॉइस है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। यहाँ पे आपके फ़ोन में जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, जो आपका वीडियो है वो तो रिकॉर्ड हो जाता है बट यहाँ पे आपके फ़ोन का जो वॉइस है वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको सॉल्व करनी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो MI का स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसको आपको सबसे पहले ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में कॉर्नर में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेटिंग का, तो आप सभी लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो गाइज़, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वॉइस का एक मतलब कि साउंड सोर्स का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम साउंड और एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आता है, तो आपके फ़ोन में जो है सिस्टम साउंड पे सेटिंग रहेगा या तो फिर म्यूट पे सेटिंग रहेगा, तो उसको आप सभी लोग माइक में सेटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है साउंड सोर्स पे क्लिक करके आपको माइक में जो है सेटिंग कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगर आप सभी लोग अपने फ़ोन में माइक लगा के जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे और वॉइस रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो है वॉइस को भी कैप्चर करेगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी कैप्चर करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में साउंड में प्रॉब्लम आ रहा था, साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।